And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. Hello friends, welcome to Green Life. आज मैं आपको ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जो इजी टू ग्रो है और उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके घरों में धूप बिल्कुल नहीं आती, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका नाम मैं बता रही हूँ, पहले तो इसका नाम है फूसिया प्लांट। नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसको देखेंगे और आप देख भी रहे होंगे कि कितना, मतलब इस पर कलियाँ आ रही हैं, कितना ग्रो हो रहा है। ये वो छोटा सा प्लांट था जब मैं लाई थी, और लाई भी थी सर्दियों में। और देखिए, आप इसे कह सकते हैं कि मैं सर्दियों में लाई हूँ, जब से ये ग्रो ही कर रहा है, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये टूट गया था यहाँ से, मैंने इसको तोड़ा, यहाँ से कटा और मैंने इसको अंदर लगाया, मतलब एक डंडी से छेद करा और लगा, तो मतलब ये काट कर भी आप इसको अंदर लगा सकते हैं, तो इजी टू ग्रो हो गया। चाहे इसमें लगाएं, चाहे आप गमले में लगाएं, लगा कर आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। आपको धूप की ज़रूरत नहीं है, बस इसको सिर्फ छाया चाहिए, और जिनके घरों में छाया है वो तो इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसमें और भी कई वैरायटी आती हैं, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ये एक ही प्लांट मिला है। इसकी विशेषता ये है कि ये सदाबहार रहेगा। अभी तक तो देखो उस पर खूब सारे फूल आ रहे हैं, तो भगवान ने चाहा तो पूरी गर्मी में भी ये फूल ही फूल देगा। बस इसका ध्यान ये रहा कि इसको धूप से बचाना है, उन लोगों के लिए अच्छा है। और भी ऐसे कई प्लांट हैं मेरे पास जो सिर्फ धूप से बचे हुए हैं, जैसे मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, फर्न है, अलग अलग वैरायटी है, लेकिन ये फूलों वाला है, वो बिना फूल के। आप चाहें तो इसे जब भी आपका, ये जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, जब ये खुल जाएगा तब जाके आप इसे ला सकते हैं। और इतना सुंदर प्लांट तो मेरे ख्याल से कोई भी देखेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। बस इसका ध्यान है कि इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, क्योंकि छेड़ने से इसकी डंडी टूट जाएगी। पर यह है, अगर टूट जाए किसी वजह से, गलती से कोई पक्षी बैठ जाए, मेरा बैठ गया था, ये टूट गया था यहाँ से, तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने खुद ही लगाई हुई है डंडी। तब से मुझे इसका पता चला है कि डंडी तोड़कर भी आप इसको लगा सकते हैं, या अनजाने में टूट जाए तो भी आप इसको इसमें लगा लीजिए, या आप नीचे ज़मीन उसमें गमले में भी लगा सकते हैं। तो बस इसको हर दूसरे तीसरे दिन जब आप देखें सूख गया है, तो इसको स्प्रे करिए पानी से। बस ध्यान रखिए इस पर ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये फूल इसके टूट जाएंगे, क्योंकि इसकी शो फूलों से ही है। देखिए कितने सुंदर है, झुमके की तरह फूल लग रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं। और एक फूल ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू होने को तैयार होता है, जैसे लगे सारे अभी खिलने को तैयार हैं। तो ऐसा प्लांट कौन नहीं लेना चाहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Pounding on me, baby, I really wanna make you mine.